नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। हरियाणा हिमाचल का नंबर वन चैनल और इस वक्त वक्त है देश की आवाज का, आपके पसंदीदा प्रोग्राम का, जहां आपकी बात, आपकी जुबानी, आपके हिसाब से दुनिया तक पहुंचती है। यहां आप अपनी राय रखते हैं हर एक उस मुद्दे पर जो किसी दिन चर्चा का विषय होता है। कांग्रेस की तरफ से चिंतन शिविर किया गया उदयपुर में और बहुत सारे फैसले लिए गए हैं, बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया है। आज राहुल गांधी ने संबोधन के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा, सरकार पर निशाना साधा और अपनी कांग्रेस पार्टी के बारे में बताया कि उनकी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्यों सबसे अलग है, कैसे सबसे अलग है। और कांग्रेस, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही है जो इस वक्त सत्ता की मुखालफत कर सकती है, सत्ता का विरोध कर सकती है, बीजेपी के सामने खड़ी हो सकती है। उन्होंने रीजनल पार्टी को लेकर भी कहा, क्षेत्रीय दलों को लेकर भी कहा कि क्षेत्रीय दल बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते, सिर्फ कांग्रेस है जो मुख्य विपक्षी दल है। और इस वक्त एक अहम खबर, उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है। राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरा और इस दौरान राहुल गांधी ने, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी ने दलित समाज का अपमान किया है, कांग्रेस में सभी की बात सुनी जाती है, राहुल गांधी का बयान, बीजेपी में किसी की बात नहीं सुनी जाती, आज संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है, न्यायपालिका पर दबाव बनाया जाता है, आज चुनाव आयोग में भी दखल की कोशिश है, सरकार ने युवाओं के भविष्य को नष्ट कर दिया है, एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई, अक्टूबर में कांग्रेस जनता के बीच जाएगी, जनता की समस्या को समझना चाहिए, जनता के साथ पहले वाला कनेक्शन बनाना है। राहुल गांधी ने कहा कि जनता के साथ हमें पहले वाला कनेक्शन बनाना है। जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही देश को आगे ले जा सकती है। तो ये बयान थे राहुल गांधी के और आज का सवाल भी आपके सामने हम रखेंगे, आज का जो सवाल है वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का बयान, फिर ओवरऑल कांग्रेस के चिंतन मंथन को लेकर आपकी राय क्या है, क्या वाकई में कांग्रेस को कुछ फायदा होगा इस चिंतन मंथन से, इस पर भी बात करेंगे। जो हमारे युवा हैं, आज हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, आज अनएम्प्लॉयमेंट आज से ज्यादा कभी नहीं रहा है, और ये उनके आंकड़े हमारे आंकड़े नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है, जो रोजगार पैदा करती है, उस रीढ़ की हड्डी को नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने और उनकी विचारधारा ने तोड़ दिया है। महंगाई, और दूसरी तरफ आप हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हो, हिंदुस्तान के बीच में जो बातचीत होती है, कॉन्वर्सेशन होता है, उसको बंद कर रहे हो। जरूर जरूर आग लगेगी, और हमारी जिम्मेदारी है कि वो आग ना लगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता के बीच में जाएं और जनता से कहें कि आपको बांटा जा रहा है, आपको तोड़ा जा रहा है। तो आज का सवाल आपके सामने एक बार रख देते हैं कि कांग्रेस की तरफ से जो चिंतन शिविर लगाया गया, मंथन किया गया, उससे कितना फायदा होगा, चिंतन शिविर में लिए गए फैसले कांग्रेस को क्या मजबूती देंगे, आज का सवाल। और एक परिवार से 2 लोगों को टिकट देने के फैसले से क्या खत्म होगा परिवारवाद, एक फैसला यह भी हुआ है कि परिवार के एक सदस्य को टिकट दी जाएगी और दूसरा टिकट पाता है तो उसको कम से कम 5 साल पार्टी में देने होंगे। पार्टी के अंदर कांग्रेस के आरक्षण की नीति से क्या बनेगी बात, क्या 3 दिवसीय इस मंथन से खोए जनाधार को कांग्रेस पार्टी वापस हासिल कर पाएगी, क्या कांग्रेस ही जनता के पास विपक्ष के तौर पर एकमात्र विकल्प है, क्या रीजनल पार्टियां नहीं कर पाएंगी बीजेपी का मुकाबला, यह अहम सवाल। और यह सवाल इसलिए कि आज आखिरी दिन राहुल गांधी ने संबोधन के दौरान इन विषयों को उठाया है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, एक बार वो तमाम बयान भी आपको दिखा देते हैं, एक बार वो ब्रेकिंग भी हम आपको दिखा देते हैं और इसके बाद आपकी राय क्या है। राहुल गांधी ने कई सारे सवाल उठाए हैं और आरोप लगाए हैं, जो राहुल गांधी ने बोला था वो एक बार आपके सामने रखते हैं।
उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर का आखिरी दिन था आज, और आज आखिरी दिन राहुल गांधी का संबोधन हुआ। राहुल गांधी ने पार्टी और पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, और इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने दलित समाज का अपमान किया है, बीजेपी ने दलित समाज का अपमान किया है, कांग्रेस में सभी की बात सुनी जाती है। राहुल गांधी का बयान, आज संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है, तो आपकी राय क्या है इस पर? आज के सवाल पर सवाल आपके सामने लगातार फ्लैश हो रहा है, और हमारे नंबर भी, कि क्या इस चिंतन शिविर से कांग्रेस मजबूत हो पाएगी, क्या कांग्रेस अपना खोया जनाधार वापस ला पाएगी? कांग्रेस की तरफ से जो फैसले लिए गए हैं कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति को टिकट, और अगर दूसरा कोई टिकट चाहता है तो 5 साल संगठन में काम किया हो तब मिलेगा, यानी एक परिवार में 2 लोगों को टिकट दी जाएगी शर्त के साथ। और कांग्रेस का यह कहना कि सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी का सामना कर सकती है, मुकाबला कर सकती है, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? सवाल आपके सामने है कि क्या कांग्रेस है, कांग्रेस इस मुकाम पर है कि बीजेपी का मुकाबला कर पाए? क्या कांग्रेस ही बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी? कांग्रेस नेताओं का तो यह दावा है कि हम ही कर पाएंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दल नहीं कर पाएंगे। सूरज भांजी हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज भांजी नमस्कार, क्या कहेंगे? नासिर भाई नमस्कार। जी नमस्कार सूरज भांजी, कहिए। आज की वर्तमान सरकार को इतिहास में जाने का बड़ा शौक है, तो मैं आपको ये इतिहास में बताता हूँ इनकी कहानी जो आज चल रहा है परिस्थिति। 2014 की बात है, 14 से पहले हमारे मोदी जी ने जो जो बात कही वो आज बिल्कुल उसके उल्ट हो रहा है। आप भी समझ रहे हैं ना ये बात? जो करना चाहिए था वो छुपाया जा रहा है, जो नहीं करना चाहिए था उसको उठाया जा रहा है। सूरज भांजी आज राहुल गांधी का और ये कांग्रेस पार्टी का सवाल है, जो सवाल आपके सामने है। जी जी। चिंतन राहुल गांधी की भी बात करूंगा। राहुल इनसे ना तो मरेगा, कांग्रेस ना मरेगी। कांग्रेस एक ऐसी चीज है, भारत की आत्मा है ना। ये क्या इनके दादा परदादा चले गए वो नहीं मार सके, ये इनकी तो हैसियत ही क्या है, सिवाय इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी के सिवाय किया क्या है? शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल लगातार आपके सामने हैं, लगातार कॉल्स आ रहे हैं, सवाल आपके सामने है। कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं, वो भी आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन एक सवाल हमारे साथ सुभाष जी, एक दर्शक हमारे साथ हैं। सुभाष जी नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार नमस्कार जी, कहिए। मेरा कहना है 24 में कांग्रेस की सरकार बनेगा। अच्छा, बीजेपी तहस नहस कर दिया, गरीबों के तले मरा, खीरी खीरे राशन बांट के किसान को खेत में गेहूं और फसल मार डाला, खाद खड़ी सारे किल्लत बना दिया है देश में, पैदल चलने पर मजबूर कर दिया बीजेपी वाले ने। चलिए शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, आपके सामने सवाल है, और हमारे नंबर्स भी हैं। किस तरह से आप देखते हैं आज के सवाल को? हमारे साथ प्रेम जी जुड़ चुके हैं। प्रेम जी नमस्कार, क्या कहेंगे? सर जी कहिए। सर एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तो नया 9 दिन और पुराना 100 दिन से तो बात ठीक है, इनका जो मंथन चल रहा है उस मंथन में जो 2-4-10-5 बातें जो राहुल गांधी ने कही है वो आज के परिवेश में लगती जरूर है सर, एकदम सही। उसमें उनकी बुराई करने से कोई फायदा है या अच्छाई से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो उसमें तंत आता है, जो भी उन्होंने जो कहा है वो कुछ ना कुछ बात लगती है। इस बात को लेके अब बीजेपी वालों को खुद को मंथन करना चाहिए कि उनकी क्या हालचाल होनी थी, क्योंकि उन्होंने जो भी वादे किए 14 से लेके उन्होंने अपने बांध खोल दिए, अब कौन सा बांध बचा है जिससे वो उन्नति कर सकेंगे, ये कहने का मेरा मतलब है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, कांग्रेस का चिंतन मंथन शिविर, नव संकल्प शिविर उदयपुर में चल रहा था, देश भर के बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया, कई पहलुओं पर इसमें बात हुई, किसानों की समस्याओं को लेकर भी बात हुई, दलित अल्पसंख्यकों को लेकर भी बात हुई, देश में विकास की बातों को लेकर भी बात हुई, और इसके अलावा और भी जो मुद्दे थे, राजनीतिक मुद्दे थे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के मुद्दे थे, जनता के मुद्दे थे, उस पर बात हुई। और कांग्रेस के इस चिंतन मंथन शिविर से जब भी नेताओं ने लोगों को संबोधित किया तो ये कहा कि हम ही हैं जनता की फिक्र करने वाले। हमारे साथ हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, नीतीश शर्मा जी। जी शर्मा जी नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। जी सर कहिए।
जो ये कांग्रेस पार्टी अपना चिंतन कर रही है, ये अपनी पार्टी के बारे में सोचे, बाकी अगर किसी का विरोध करना है तो वो तर्क के साथ विरोध करे जी, कि क्या जब कोरोना काल में क्या बीजेपी सरकार ने काम अच्छा नहीं किया, तो ये अपना तर्क रखे कि अच्छा कैसे नहीं किया जी, विदेशों में वैक्सीन पहुंचाई, बेरोजगारी जो है वो भी धीरे धीरे उसके बारे में भी सरकार जो है सोच रही है, तो किसी भी पार्टी का विरोध करना हो तो एक अच्छे तर्क के साथ विरोध करें, बाकी ये हमेशा ये एक पार्टी जो है बुराज नहीं करती, आज बीजेपी है कल को कोई और पार्टी होगी, मगर ये है कि तो उसके बारे में ये सोचे कि उसने क्या कौन सा बुरा काम किया है। धन्यवाद। नीतीश शर्मा जी आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के चिंतन शिविर में किस तरह के फैसले हुए उस पर हमारा सवाल है, और राहुल गांधी ने क्या कुछ बोला है उस पर भी हमारा सवाल है। एक बार राहुल गांधी ने क्या कुछ बोला आज अपने संबोधन में, अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उदयपुर में, वो हम आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। चिंतन शिविर के आखिरी दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने दलित लोगों का, दलित समाज का अपमान किया है, बीजेपी का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, बीजेपी ने दलित समाज का अपमान किया है, महंगाई बढ़ाने के लिए सरकार जिम्मेदार है, कांग्रेस में सभी की बात सुनी जाती है, यह राहुल गांधी का बयान था। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि आज संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है, चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है, इस तरह से बहुत सी बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने बीजेपी पर, सरकार पर निशाना साधा। सरकार ने युवाओं के भविष्य को नष्ट कर दिया है, एक तरफ बेरोजगारी दूसरी तरफ महंगाई। और हमारा सवाल भी आपके सामने है कि कांग्रेस के इस चिंतन मंथन शिविर से कांग्रेस को क्या वापस मिल पाएगा खोया हुआ जनाधार। हमारे साथ हमारे एक और दर्शक हैं। नमस्कार उर्मेश जी, नमस्कार जी, कहिए। मेरा ये कहना था कि ये चिंतन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा, इन लोगों को जनता के बीच में जाना पड़ेगा जैसे पहले जाते थे। अभी क्या इन लोगों के बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम हो गई है। और दूसरी रही बात रीजनल पार्टी की, तो रीजनल पार्टियां अपने लेवल पे अपना अपना काम कर रही है, उनको करने दीजिए, आपको उनसे क्या लेना देना है, आप तो अपने परिवार को और अपने उसको संभालिए ना, पार्टी को। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि हम लोगों के बीच में जाएंगे, हम लोगों के बीच में जाएंगे, कुछ प्रोग्राम शुरू करेंगे, लेकिन जो फैसले कांग्रेस के चिंतन मंथन शिविर में हुए हैं कि अब एक ही परिवार से सिर्फ दो लोगों को टिकट मिलेगा और शर्त के साथ मिलेगा, एक को मिलेगा और एक को तब मिलेगा जब उसने 5 साल संगठन को दिए हों। इसके अलावा आरक्षण की नीति की बात की जाए उस पर भी उन्हें, और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें, आरक्षण से दूरी बनाने वाली कांग्रेस अब आरक्षण का सहारा लेगी। हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, आर के पठान जी नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। जी आर के पठान साहब कहिए। कांग्रेस का अध्यक्ष बदलने की जो जो ये लोग कवायद करते हैं जी, वो अध्यक्ष बदलने से गांधी परिवार के सिवाय कोई देश चला नहीं सकता है। और गांधी परिवार के दूसरा अध्यक्ष अगर आता है तो उसके अंदर में जैसा कि इनपुट खरीद कर उसको बायोडाटा बना के बीजेपी साइड में रख सकती है, इसलिए बीजेपी अध्यक्ष उठा रही है, गांधी परिवार पे अध्यक्ष लेती है कि उस परिवार का अध्यक्ष नहीं चाहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने एक बार फुल स्क्रीन पर पूरा सवाल हमारे दर्शकों के लिए, चिंतन शिविर में लिए गए फैसले क्या कांग्रेस को मजबूती देंगे, चिंतन शिविर में लिए गए फैसले क्या कांग्रेस को मजबूती देंगे, एक परिवार से दो लोगों को शर्तों के साथ टिकट के फैसले से क्या खत्म होगा परिवारवाद का जो आरोप लगातार करता चलता रहता है कांग्रेस पर, पार्टी के अंदर कांग्रेस के आरक्षण की नीति से क्या बनेगी बात, क्या 3 दिवसीय इस मंथन से खोए जनाधार को पाएगी कांग्रेस पार्टी वापस। हमारे साथ बलदेव जी हमारे दर्शक, नमस्कार बलदेव जी। नमस्कार जी, कहिए बलदेव जी। कुरैशी जी, जी इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, छाल तो बोल रहे, छालनी भी क्या बोल रहे, कांग्रेस ने ही सबसे पहले ये जातिवाद फैलाया और हरिजनों का ये इनका किया, जिनका ये कह रहे हैं तो सबसे पहले कांग्रेस है, और कांग्रेस ने ये पीछे से जातिवाद पंजाब में इनके जब जाखड़ को बना रहे थे, धर्म और उसका सहारा लिया भी इस पंजाब में
ये जाट नहीं बनना चाहिए, यहाँ सिख बनना चाहिए, तो ये कांग्रेस किस मुंह से कहती है भाई ये चीज नहीं है। कहीं भी डालो वहां सबसे पहले ये कांग्रेस करती है इस चीज की शुरुआत, उसके बाद में बीजेपी करती है, तो बाद में छोटे दल उनको मजबूर करना पड़ता है इन चीजों के ऊपर। तो इसके बारे में राहुल पहले ये सोचते भी इन्होंने क्या किया है, इनके हर चीज में इनके परिवार नेहरू ने सिक्किम को अंदर शामिल पहले नहीं होने दिया, वो चलो इनकी दादी ने वो उसको शामिल कर लिया, मीर का आप देख लो। शुक्रिया हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। मोहन जी हमारे साथ हैं। मोहन जी नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार सर जी, कहिए मोहन जी। सर जो आज का जो चिंतन शिविर इनका चला हुआ था उदयपुर में, मैं उसके बारे में यही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी अगर ऐसा नहीं है, पूरे देश में जो है पार्टी पहले से ही फैली हुई है और ये जो खत्म हुई है इनको पहले से ही लोगों में जनता के बीच में जाना चाहिए। और बीजेपी ने ऐसा कोई इतना बड़ा काम नहीं किया है जो ये लोगों में करे, क्योंकि उन्होंने जो भी आज तक वायदे किए थे वो कभी कहीं पूरे नहीं हुए हैं। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कुछ जानकारियां हैं ग्राफिक्स के जरिए, वो भी आपके सामने एक बार मैं पढ़ देता हूं। जो कांग्रेस के चिंतन मंथन शिविर से जो अहम बातें निकलकर सामने आई उसमें से कुछ अहम बातें, अब एक परिवार से दो व्यक्तियों को टिकट मिल सकते हैं, उसके लिए उन्हें संगठन में 5 साल काम करना अनिवार्य होगा। आरक्षण से दूरी बनाने वाली कांग्रेस अब आरक्षण का सहारा लेगी, ओबीसी दलित और अल्पसंख्यक महिलाओं को आगे लाने पर जोर दिया जाएगा। अब हर 6 महीने में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाई जाएंगी। गुजरात में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भी रणनीति बनाई गई है। पार्टी गुजरात में 4 जोन्स में 4 बड़ी बैठकें करने जा रही है। इसके अलावा सौराष्ट्र जोन की बैठक 19 मई को राजकोट में होगी। साउथ जोन की बैठक 21 मई को सूरत में होगी। सेंट्रल जोन की बैठक 22 मई को वडोदरा में होगी और 23 मई को नॉर्थ जोन की बैठक महसाना में होगी। गुजरात पर फोकस रहेगा, बदलाव की बात हो रही है। 5 साल अगर किसी ने पार्टी को दिए हैं तो एक परिवार से सिर्फ 2 टिकट मिलेंगी, लेकिन जरूरी है कि 5 साल संगठन में काम किया हो, एक तो ये बात है। दूसरी बात, आज का जो सवाल है वो भी आपके सामने रखते हैं और उस पर आपके लगातार कॉल्स आ रहे हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सवाल ये है कि जो कांग्रेस अभी तक कमजोर कही जा रही है, क्या वो इस चिंतन मंथन शिविर से अपने आप को मजबूत कर पाएगी? एक परिवार से 2 लोगों को टिकट देने के फैसले से क्या कांग्रेस में परिवारवाद की बात खत्म होगी? क्या 3 दिवसीय इस मंथन से खोए जनाधार को वापस पाएगी कांग्रेस? क्या कांग्रेस ही जनता के पास विपक्ष के तौर पर एकमात्र विकल्प है? क्या रीजनल पार्टियां नहीं कर पाएंगी बीजेपी का मुकाबला? कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि सिर्फ कांग्रेस है जो मुकाबला कर सकती है। तो सवाल आपके सामने है। मास्टर आर के कालिया जी हमारे साथ हैं। मास्टर साहब नमस्कार। आदाब नाजिर भाई, आदाब सर, कहिए। देखिए पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है इस मुद्दे पर। मेरा तो ये मानना है कि जो कांग्रेस पार्टी है चिंतन या चिंता करे। और मैं ये भी साफ तौर पर कहना चाहूंगा, मैं थोड़ा बहुत सोशल हूँ, थोड़ा बहुत समाज से जुड़े हुए हैं, हालांकि मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा। कांग्रेस को लोग चाहते हैं, कांग्रेस खुद को नहीं चाहती। अच्छा, मेन समस्या ये है। हम बच्चे से बात करते हैं, आज हमारी मीटिंग की, मैं वेलफेयर यहाँ एसोसिएशन है, मैं उसका प्रधान हूँ। बात यही है, मैं ये भी कहना चाहूंगा राजनीति से हटके, आजकल जो लोग हैं, जो जनता है, वो बहुत कुछ चाहती है, जनता बहुत कुछ चाहती है सरकारों से। धर्म मजहब राज की नीति से, राजनीति से बहुत लोग उब चुके हैं। मजहब की राजनीति, धर्म की राजनीति, जात पात की राजनीति, लोग बहुत ऊपर उठकर सोचना चाहते हैं। ठीक है, कांग्रेस के पास हल है इसका, लेकिन कांग्रेस की वही बात है कि यूनियन का नारा है मेरे अजीज भाई, डिवाइडेड यूनाइटेड वो स्टैंड, यूनाइटेड वो स्टैंड, डिवाइडेड वो फॉल। इतनी गुटबाजी है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। हमारा मेरा देखिए, मैं बताऊं आपको, हमारा गुटबाजी है, हम जानते हैं इनको, सही बात है। ये बेशक ना माने, अपनी गलती नहीं मानते, इसमें ये कमी है, ये कमी है, इनमें गलती मानते नहीं अपनी। जब इतनी गुटबाजी है पूछो मत, हालांकि उठा साहब को हटाना चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं, सभी चाहते हैं। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े मास्टर साहब। और हमारे साथ हमारे एक और दर्शक है, नागेंद्र सिंह नेगी जी है मंडी सरका घाट से। जी नेगी जी कहिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार, कहिए नेगी जी। सर कांग्रेस थिंक टैंक लोगों का की एक जमात है और सर्वोच्च विचारधारा की
एक लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस का एक 137 साल का इतिहास है स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के, और 137 करोड़ लोगों के इतिहास के साथ जो है वो आत्मसात है। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति या पार्टी के कार्यकाल में वक्त के साथ साथ उतार चढ़ाव आता है। तमाम पार्टियां गाहे बगाहे कांग्रेस के ही गर्भ से पैदा हुई हैं। सभी सीरियस नेता जितने भी हैं या उनके परिवार या पुरखे हैं कभी ना कभी कांग्रेस के वोटर सपोर्टर बनकर या लीडर रहे हैं। इसलिए हद से पार परे जब कांग्रेसियों के खिलाफ आप कांग्रेस के खिलाफ कहते हैं तो उससे पहले पूर्व चिंतन जरूरी है। कांग्रेस मुक्त भारत असंभव है। हिमाचल में 4-0 से शुरुआत हो चुकी है और कांग्रेस फिर आ रही है, फिर आएगी, क्योंकि कांग्रेस को खो करके ग्रामीण भारत ने बहुत कुछ खोया है। जो आज साहिब मसलत है कल नहीं होंगे, किराएदार है, पुस्तैनी मकान थोड़े ही है। शुक्रिया नेगी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं सवाल आपके सामने। सुदेशवर जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, नमस्कार सुदेशवर जी, क्या कहेंगे? जी सर, मैं कांग्रेस का हमेशा से सिपाही रहा हूँ जी। मैं कांग्रेस विचारधारा को ही मानता हूँ और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को आगे उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जा सकती है, मेरा ये विचारधारा है सर। ये तो सब मैं भी, मेरा जन्म 1965 का है, मैं भी बहुत उतार चढ़ाव देख रहा हूँ जी सर। जी नमस्कार, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। राहुल गांधी ने पेगासस को लेकर भी मुद्दा उठाया था, उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी एक बार सुनते हैं और आप भी कॉल्स कीजिए, क्या कुछ आपकी राय है। एवरी सिंगल पॉलिटिशियन नोज द वर्ड पेगासस, देयर नॉट सिंगल पॉलिटिशियन इन दिस कंट्री हु डज नॉट नो व्हाट पेगासस इज। पेगासस इज नॉट ए सॉफ्टवेयर, पेगासस इज द मेथड ऑफ साइलेंसिंग द पॉलिटिकल क्लास ऑफ दिस कंट्री। इट इज नॉट सिंपली अ सॉफ्टवेयर, इट इज द वे टू स्ट्रैंगल, इट इज द वे टू स्ट्रैंगल द पोलिटिकल डिस्कशन इन दिस कंट्री। जो हमारे युवा हैं, आज हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, आज अनएम्प्लॉयमेंट आज से ज्यादा कभी नहीं रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट आज से ज्यादा कभी नहीं रहा, बहुत सारे सवाल हैं, सवाल आपके सामने हैं, टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, हरिंदर जी। जी नमस्कार, आप जुड़ सकते हैं कार्यक्रम में जी। अभी कांग्रेस पार्टी हिमाचल में उपचुनावों में हुई जीत के बारे में बड़ी प्रसन्न हो रही है कि हमने 4-0 से वो कर दिया, मगर ये नहीं इनको पता कि इन्होंने यूपी में कितनी सीटें आई है जी। तो कहने का मतलब यह है कि इनके कार्यकर्ताओं में इतना ईगो है तो नेताओं में कितना ईगो होगा। तो कांग्रेस पार्टी को जो है वो धरातल पर काम करना चाहिए, नहीं तो इनका अस्तित्व जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो जो चिंतन बैठक कर रही है ये अपने परिवार तक ही सीमित है। अगर कांग्रेस पार्टी में हिम्मत है तो ये गांधी परिवार को छोड़कर किसी अन्य जो इनका कर्मठ कार्यकर्ता है उसको पार्टी अध्यक्ष बना के दिखाएं, तो हम समझे कि वाकई कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने संगठन को द्वारा करने में जुटी हुई है। सर शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। बहुत कम वक्त रह गया है, क्या आपको लगता है कि चिंतन मंथर नव संकल्प शिविर से कांग्रेस अपना खोया हुआ जनाधार वापस पा पाएगी? क्या कांग्रेस ही जनता के सामने विपक्ष के रूप में एकमात्र विकल्प है जो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है, सरकार का मुकाबला कर सकती है? क्या रीजनल पार्टियां नहीं कर सकती? कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बयान दिया गया कि कांग्रेस ही मुकाबला कर सकती है, कांग्रेस ही विपक्ष के रूप में मजबूत है, एकमात्र विकल्प है कांग्रेस, क्या ऐसा है आपको लगता है? निरपाल जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। पॉलिसी बीजेपी के पास कोई पॉलिसी नहीं है, ये वो अपना ऐसे ही काम कर रहे हैं। उनके पास महंगाई देखो कितनी बढ़ रही है, महंगाई के पास में कोई भी नहीं होता, जात पात का और धर्म का होता है, धर्म के बारे में सोचते हैं सारे, एक महंगाई के बारे में कोई डिबेट नहीं होती है, ये सारे एक दूसरे को लड़ाने पे लगे हुए हैं सारे। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके सामने है, जो भी आपके जहन में है, वक्त कम है लेकिन सवाल आपके सामने, आपकी राय। कांग्रेस पार्टी ने जो फैसले लिए हैं उससे आप किस तरह से देखते हैं कि हाँ ये कांग्रेस के लिए बेहतर साबित होंगे? क्या कांग्रेस ही जनता के पास एकमात्र विकल्प है? पवन जी हमारे साथ हैं, पवन जी नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। जी कहिए पवन जी।
ये हालात ऐसे पैदा कर देंगे कि कांग्रेस को मानना ही पड़ेगा, लोगों को चिंतन करने की अब जरूरत ही नहीं है। जो दिखाया था बोला था उसके विपरीत कर रहे हैं, तो कांग्रेस के सिवाय है क्या? इनके जुमले तो खत्म हो गए, जो करना था देश का सत्यानाश कर दिया, अब कांग्रेस ही संभालेगी। इन्होंने तो गुलामी में यही किया, आजादी में यही कर रहे हैं। कांग्रेस के सिवाय कुछ नहीं। हमारे पीएम को तो किसान भी आतंकवादी दिखाई देते हैं, वो जान नहीं सकते किसानों के साथ, एक साल तक गए नहीं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, एक परिवार से दो लोगों को टिकट के फैसले से क्या कांग्रेस को मजबूती मिल पाएगी? और जो परिवारवाद को लेकर सवाल उठते हैं, क्या वो अब नहीं उठेंगे? हालांकि परिवारवाद की बात जब की जाती है तो कहा जाता है कि हर एक पार्टी में है, कोई पार्टी इससे पाक साफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस को इस पर ज्यादा घेरा जाता है। वहीं दूसरी बात कि कांग्रेस का ये कहना कि हम ही एकमात्र विकल्प हैं, रीजनल पार्टियां कुछ नहीं कर पाएंगी, आने वाला वक्त बताएगा, और ये एक चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन हाँ, कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है कि ये जो नव संकल्प शिविर लगाया गया, चिंतन मंथन हुआ, इससे उनको कुछ ना कुछ फायदे जरूर होंगे और बेहतरी होगी। और कांग्रेस ने यह भी तय किया है कि अब हम जनता के बीच जाएंगे, जनता को अपने करीब करना है जैसे पहले हमारी करीब थी। अब देखना होगा कि कांग्रेस इसमें कितना कामयाब हो पाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खबरें अभी तक पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, देश और दुनिया की, हरियाणा हिमाचल की हर एक ताज़ा तरीन खबरें। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ, अपना ख्याल रखें और हमारे तमाम प्रोग्राम्स को और जो न्यूज़ हैं उनको आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज पर भी देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को भी आप वहाँ पर देख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं कि आपने क्या कुछ राय रखी थी। बहुत शुक्रिया, आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।